एंड वेलकम बैक टू नई द्रैंड न्यू वीडियो कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे का आज आपको वीडियो में नज़र ही आ रहा होगा कि वेदर कितना ज़्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी है लंडन में और मैं जब से आई हूँ पाकिस्तान एंड दुबई से तो मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बस यहाँ पे फिर से जैकेट्स शूज़ सॉक्स सब कुछ पहन लिया है हम लोगों ने घर में तो नहीं इतनी फील होती लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो फिर ये मैं गई हुई थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ग्रोसरी शॉपिंग करनी पड़ती है मतलब थोड़े थोड़े दिनों के बाद वैसे नॉर्मल डेज़ में मतलब के वीक में एक बार आप कर लेते हो ग्रोसरी शॉपिंग लेकिन रमज़ान में आपको बिकॉज हम बनाते भी बहुत कुछ है रमज़ान में तो इसलिए फिर हमें एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी पड़ती है तो मैं आ गई थी एस्डा सुपर और मुझे ऐजडा सुपर मार्केट इसलिए भी बहुत पसंद है बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है जो मेरी पसंद की चीज़ें और जो केक्स यहाँ से मिलते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इनके पास काफ़ी कुछ मिल जाता है जो मुझे पसंद है चीज़ें इसलिए मैं ज़्यादा ऐजडा सुपर मार्केट आ जाती हूँ अगर मेरे हस्बैंड जाते हैं तो वो तो ज़्यादा टेस्को में चले जाते हैं लेकिन अगर मैं आती हूँ तो मैं ज़्यादा ऐजडा में आती हूँ और गाइस अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं आई ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बिकॉज़ अब मैं नहीं आती होती मेरे हस्बैंड को मैं लिस्ट भेज देती हूँ वही ले लेते हैं और आई थिंक इट्स बीन लाइक सेवन सिक्स सेवन मंथ्स हो गए हैं कि मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आई वरना मैं लाइक like, uh, जो और हम कपड़े वगैरह लेने होते हैं कुछ भी वो वो सब शॉपिंग के लिए मैं चली जाती हूँ लेकिन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मैं काफ़ी टाइम बाद आई और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या क्या पहले मुझे पता होता था कैसे लेना है क्या कुछ लेना है तो फिर इस बार मैं लिस्ट बना कर ले आई थी क्या क्या चाहिए क्योंकि फिर याद नहीं रहता जो मेन चीज़ें होती हैं वो उनकी अगर आप लिस्ट बना लो घर से कि क्या क्या फिनिश है क्या चाहिए तो फिर आपको पता होता है और ख़ वैसे तो जब भी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आती होती थी तो मैं ट्रॉली लेती थी क्योंकि जब ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए हम आते हैं ना तो फिर जो जो हमें चाहिए होता है वो तो हम लेते ही हैं और जो नहीं चाहिए होता वो भी ले लेते हैं लेकिन इस बार फिर ट्रॉली नहीं ली थी बिकॉज मुझे ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था काफ़ी कुछ था घर पर बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी और गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं ज़्यादा लगते तो नहीं है मेरे रोज़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं और मुझे ज़्यादा प्यास लगती है भूख इतनी नहीं लगती प्यास मुझे वैसे भी लगती होती है और रोज़े में तो और ज़्यादा लगती है तो यहाँ पर मैं कुछ चॉकलेट्स वगैरह बाय कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है चॉकलेट्स वगैरह की जब मैं रोज़ा खोलती हूँ तो खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल करता है और ये वाले केक्स में आई थिंक लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था ये बोले यहाँ से मिलते हैं एजडा से मिलते हैं और ये मुझे बहुत मज़े के लगते हैं इनके अंदर क्रीम एंड जैम फिलिंग होती है बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं और एक ये बड़ा चॉकलेट औरेंज केक ये बल्ले ये बड़ा भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कौन कौन मेरी सिस्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स पसंद हैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और मीठा खाना पसंद करती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में तो गाइस बस मैं ये ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आई थी और मैं ज़्यादा ये केक्स एंड चॉकलेट्स के सेक्शन में मैं घूमती रही ज़्यादा और मैंने बहुत से केक्स एंड चॉकलेट्स वगैरह लिए बिकॉज़ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और चाय के साथ सैरी टाइम मैं जैसे अगर और कुछ नहीं भी खाती क्योंकि दिल नहीं करता सैरी टाइम इतना भूख नहीं होती हमें आदत नहीं है इतना जल्दी इतना मतलब सुबह सुबह खाने की तो फिर मैं जस्ट ऐसे करती हूँ कि मैं चाय अपने लिए बना लेती हूँ इंग्लिश थी एंड साथ में कोई बिस्किट या फिर केक्स वग़ैरह खा लेती हूँ या फिर समाइम तो मैं चॉकलेट्स खा के सैरी कर लेती हूँ और बस गाइस uh, uh, मैंने थंबनेल uh, पे भी लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल क्यों गए बिकॉज़ uh, मेरी बेटी जो है उनका थोड़ा सा मसला हो गया था कान का इसलिए हम गए थे हॉस्पिटल और हमें लाइक like, काफ़ी ज़्यादा हालांकि इतना बड़ा मसला नहीं था लेकिन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डिले करते एकदम आपको देखते नहीं हैं इमरजेंसीज़ में आप ले जाओ बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देखते और बहुत ज़्यादा क्यू होती है और अभी तो कोरोना की वजह से और ज़्यादा उन्होंने कर दिया है कि एक पेरेंट साथ जा सकता है दो पेरेंट भी नहीं साथ जा सकते बच्चों के तो फिर बस हमने यहाँ से ग्रोसरी ली चेकआउट किया और उसके बाद फिर मैं घर गई थी घर रखा ग्रोसरी वग़ैरह सब और उसके बाद हम हॉस्पिटल गए थे और मैं आपको बताऊँगी कि हम हॉस्पिटल क्यों गए और गैस कर जाके मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी ग्रोसरी रखते हुए ये थे चिकन पॉपकॉर्न और ये आपको मिल जाते हैं और ये हलाल होते हैं ये बच्चों को भी बहुत मज़े के लगते हैं और मुझे भी बहुत मज़े के लगते हैं लाइक जब मैं समोसे वगैरह फ्राई करती हूँ साथ में चिकन पॉपकॉर्न या चिकन नगेट्स वगैरह भी फ्राई कर लेती हूँ अपने लिए भी और ये वाला रूबिकन गावा हो जाए या मैंगो हो जाए ये दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत 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 मीठे होते हैं लेकिन यह के अच्छे बहुत लगते हैं और रोज़ा खोलने के बाद ना मीठी चीज़ खाने का बहुत दिल करता है और ये थे वेजिटेबल्स समोसाज़ ये भी हलाल आपको मिल जाते हैं एजरा से आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है और ये तो वही केक्स हैं जिनके बारे में मैंने बात की थी विक्टोरिया स्पंज केक्स और ये मतलब कि आपको चाय के साथ आप खाओ या वैसे ही खा लो बहुत ज़्यादा मजे के लगते हैं और ये फिश फिंगर्स ली थी बच्चों की और ये बोले छोटे लाइक बेबी कैनस हैं ना ये आप मतलब के पी सकते हो ईज़िली क्योंकि जो बड़े कैन होते हैं वो फिनिश भी नहीं होते आप वन टू थ्री सिप ले के आप मतलब के फेंक देते हो मैं तो फेंक ही देती हूँ बिन में तो लाइक वेस्ट होते हैं तो ये बोले जो छोटे से बेबी कैनस हैं ना ये आप पी लेते हो आसानी से तो इसका मसला नहीं होता तो ये एजरा से मिल जाते हैं आ, बहुत अच्छे लगते हैं लाइक रो टाइम आप फिजी ड्रिंक पियो तो पी पिया भी जाता है और उसके बाद फिर ये पराठाज़ शाना पराठाज़ ये ये है रिया पराठाज़ ये वाले ले लिए थे और ये वाले भी मैं यूज़ कर लेती हूँ लाइक सैरी वग़ैरह अगर मुझे रोटी ना बनानी पड़े तो फिर ये भी समाइम बना लेती हूँ और ये केक्स वग़ैरह लिए थे और उसके साथ ये चिकन नगेट्स हैं ये भी हलाल हैं और ये भी मिल जाते हैं वहीं से और ये मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मैं इनको फ़्राई कर देती हूँ फ़्राइज़ के साथ ये भी और ये हैं पीज़ और ये फ्रोज़न पीज़ हैं यहाँ पे पाकिस्तान में तो वो दूसरे मिलते हैं ना यहाँ पर ऐसे मिल जाते हैं हमें और वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उल था और ये चॉकलेट्स जो लिए थे और बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो कुछ कुछ लिया था ग्रोसरी में एंड दीज आर थलापिया फिलेट्स और ये इनको आप ग्रिल कर लो या इनको आप मसाला बना के बना लो एज अ फिश करी बहुत अच्छे लगते हैं और ये ग्लव्स और ये थी लाइक टोमेटो कैच इसका यही चीज़ें थी जो फ़िलहाल चाहिए थी तो ये ले ली थी हमने उसके बाद हम चले गए थे हमारी बेटी को लेकर हॉस्पिटल बिकॉज uh, यहाँ पर ना लंदन में कुछ भी हो जाए ना यूके में कुछ भी हो जाए तो आपको पहले लाइक अगर आप जीपी अगर आपको कोई एमरजेंसी है तो आपको एमरजेंसी में जाना पड़ता है और यहाँ पर ये है ना कि वो एमरजेंसी भी नाम की एमरजेंसी है करते वो कुछ भी नहीं है आपको बिठाई रखते हैं बिठाई रखते हैं और जब आपका नंबर आता है तब वो देखते हैं लेकिन मतलब के कहने का ये है कि पाकिस्तान में इतना ईजी है ना आप ले जाओ हॉस्पिटल उसी टाइम आपको देखते हैं अटेंड करते हैं यहाँ पर एमरजेंसीज़ में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है इतना अगर आप सुबह हम गए थे टू थर्टी और हम वापस कर आए रात के टेन पी एम और उन्होंने हमें जस्ट इतना बोला कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाना और इनका जो है ना ट्रीटमेंट नेक्स्ट मॉर्निंग होगा और ट्रीटमेंट क्या था मैं आपको बताती हूँ मेरी बेटी का जो एयर स्टार्ट था ना जो पिछला वाला लॉक होता है वो इनके ये जो जहाँ से कान फेरस होता है ना उस होल के अंदर चला गया था मतलब के अंदर फंस गया था और वो मतलब के मेरी लापरवाही हुई थोड़ी क्योंकि ये अपने बहुत ज़्यादा घुमा देती होती थी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने एयर रिंग्स हुप्स छोटे वाले और इन एयर स्टार्स बहुत से अपने घुमा दिए तो मैंने बहुत टाइट करके जो ये वाला लिया था ये वाला मैंने बहुत ज़्यादा टाइट करके अंदर को इसको बंद कर दिया था तो फिर वो इनके कान के अंदर चला गया था तो फिर वो फिर उन्होंने लाइक छोटा सा ऑपरेट करके इन्होंने निकाला मतलब पीछे से उन्होंने छोटा सा कट लगाया था पुट हट टू स्लीप फर्स्ट एंड देन और मतलब के दस से पंद्रह मिनट का ही ट्रीटमेंट था लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा एक पूरा दिन हमारा हमारी इफ्तारी यहीं हॉस्पिटल में हुई थी और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सेवन ओ अर्ली इन द मॉर्निंग का उन्हें टाइम दिया हुआ था तो फिर हम हमारी बेटी को लेकर फिर से चले गए थे उन्हें पीछे से छोटा सा कट लगा के उन्होंने निकाल दिया था मतलब मसला छोटा सा ही था लेकिन ये मतलब काफ़ी डेंजरस था इनके लिए क्योंकि काफ़ी छोटी है ये तो गाइस बस यही था छोटा सा मसला जिस वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा और इनके कान जो सिलवाए वो मुझे काफ़ी भारी पड़े तो अब मैं सोचती हूँ कि इनके कानों में फ़िलहाल कुछ टाइम कुछ भी नहीं डालूँगी तो इसके बाद जब ये थोड़ा सा रिकवर कर लें तो फिर देखते हैं ओके गाइस अल्लाह हाफिज